अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेल्टिंग बर्गर की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है और ये बहुत यूनिक है और बहुत मज़ेदार थी। तो चलिए आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं मेल्टिंग बर्गर। इसके तीन स्टेप हैं, एक है पैटी बनाना, दूसरा है इसकी ये चीज़ सॉस जो मेल्टिंग सॉस है ये, और तीसरा है मेयोनीज सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले पैटी का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था एक पैन में और उसे अच्छे से तेज़ गरम कर देंगे। आज मैं आपको इंग्रेडिएंट डायरेक्टली साथ साथ बताऊंगी, पहले से नहीं बता रही। 2 टेबलस्पून ऑयल है, इसे थोड़ा सा तेज़ गरम करेंगे। इसके अलावा मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, इस तरह से फाइन चॉप हुई हुई है जैसे ऑमलेट में यूज़ करते हैं इस तरह से, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही आधी शिमला मिर्च थी जो मैंने इस तरह से बारीक फाइन चॉप की हुई है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसे कच्चा नहीं डालिएगा, इसे कुक करके ही पैटी में यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास थी 6 से 8 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसे हम जल्दी से मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ये जल ना जाए। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा था, बिल्कुल स्लो नहीं रखा था, ताकि वेजिटेबल्स हमारी जल्दी से कुक भी हो जाएं और इनके अंदर जो ये सौगी सी हो जाती हैं ये ना रहें। तो इनका पानी रिलीज़ करने के लिए इसके बाद मैं इसे इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक आगे जाके और भी चीज़ों में डालेगा तो लिहाजा कम नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने का मकसद है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपना पानी रिलीज़ करें और जल्दी से कुक हो जाएं, ताकि जब हम ये कीमे में मिक्स करेंगे मिन्स के अंदर, चिकन मिन्स में या चिकन के कीमे में जब ये सब्ज़ियाँ मिक्स होंगी तो वो चिकन के अंदर जाके अपना पानी ना छोड़े, और जब हमें इसे फ्रीज़र करना होगा तो हम इसे फ्रीज़र कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के कवर करके इसे पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से ये बना है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसका सारा खुश्क हो चुका है, इसमें मैंने डाली है 1 चुटकी हल्दी की अच्छे कलर के लिए, पिंच ऑफ रेड चिली अच्छे फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च अच्छे से कलर के लिए, इसके अलावा मैंने डाला था 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम। याद रहे कि प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर की होनी चाहिए और वेजिटेबल बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे इस तरह एक प्लेट में निकाल के फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे जल्दी से कूल डाउन करना है, इसका कुकिंग प्रोसेस हमें रोकना है, तो इसे फटाफट हम फ्रिज में रखते हैं और आ जाते हैं इसकी चीज़ सॉस की तरफ। तो चीज़ सॉस के लिए मुझे चाहिए 2 कप दूध, मैंने इसमें 2 कप दूध डाला है। जैसे हल्का सा गर्म होगा उसके बाद इसमें डाला है मैंने 3 टेबलस्पून बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है। आप अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो इसमें नमक थोड़ा कम डालिएगा। इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक क्विक बॉईल दे देंगे। जब ये बटर जो है इसके साथ इसमें मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ फ्लेवर्स। तो फ्लेवर्स के लिए इसमें मैंने डाला है, कलर के लिए मैंने इसमें डाली है 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, या पेपरिका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है, पानी के साथ मिक्स करके इसे हमने ऐड किया है थोड़े से इसकी थिकनेस अच्छी करने के लिए, ताकि हम जब ये डालें तो अच्छे से थिकनेस सॉस बने। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर गुड टेस्ट के लिए। जब ये थोड़ा सा इस तरह बबल्स करने लगे तो इसमें मैंने डाल दी है प्रोसेस चीज़। चीज़ आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा डालना चाहें, जितनी कम डालना चाहें आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने इसमें ये जो सीजनिंग डाली थी
ये सीजनिंग के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी हर्ब डाली थी ताकि एक अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर दोनों आए। इसे इस तरह से कुक करेंगे और थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने और चीज़ सेट होने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं चिकन पैटी की तरफ। तो ये चिकन मिन से 1/2 kg, इसमें मैंने ये जो मसाला तैयार करके ठंडा होने रखा था ये मिक्सचर वो डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें 1/4 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 teaspoon के करीब इसमें रेड चिल्ली पाउडर है, और इसके अलावा ये 2 egg yolk हैं यानी कि 2 अंडे की जर्दी, अच्छे से बाइंडिंग के लिए है ये। और जो वाइट एग वाइट थी वो हमने रख ली है, बाद में इस पैटी को कवर करेंगे। और इसके ऊपर मैंने अब डाला है चिकन मिन्स के हिसाब से सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। श्योर कर लीजिएगा कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, अच्छे हों, साफ़ सुथरे धुले हुए हों। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डाला है मैंने 1 tablespoon कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे एक साइड पर रख देंगे और ये चीज़ सॉस जो हमारी ठंडी हो गई थी इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ हमने डाली थी, वो चीज़ का जो जाल रह जाता है वो सारा कुछ एक अच्छे तरीके से ये सॉस हमारी क्लियर हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए और ये तमाम एक्सेस चीज़ें वो निकल जाए। इसके बाद मैंने कॉर्नफ्लेक्स इस तरह से हाथों से क्रश कर लिया था। याद रहे इसे हाथों से ही क्रश करना है, जूसर मशीन में नहीं। अब आ जाते हैं मेयोनीज सॉस की तरफ। तो मेयोनीज सॉस के लिए मैंने केचप लिया है, चिल्ली सॉस लिया है, ये प्लेन मेयोनीज है ये मैंने इसमें डाला है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा ये ब्लैक पेपर पाउडर है वो इसके साथ ऐड की है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड पर रख लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था गार्लिक पाउडर और ये थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे। चीज़ सॉस हमने तैयार करके एक साइड पर रखी है, मेयोनीज सॉस हमने बना के साइड पर रखी हुई है, चिकन पैटी का कीमा हमारा मिक्स हो गया था। अब इसे हम इस तरह से इसकी पैटी तैयार करेंगे यानी कि इसका ये बर्गर तैयार करेंगे। इसको इस तरह से जितनी बड़ी, याद रहे कि ये पैटी बर्गर के साइज से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस पर पहले मैंने थोड़ी सी एग वाइट लगाया था, उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स लगाया है तो चूड़ा करके, और इसे शैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, 2.5 मिनट एक साइड पे और 2.5 मिनट दूसरी साइड पे इसे इस तरह से पकाएंगे। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो इसे पकाने के बाद जब ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसे हम छोड़ देंगे, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए यानी कि कूल डाउन हो जाए, उसके बाद एक किसी भी टूथपिक से या स्टिक से इसमें अंदर डाल के इसे चेक करेंगे, इसे दबा के इसमें से अगर ट्रांसपेरेंट वाला सॉल्यूशन यानी कि अगर वो निकल रहा है पानी, तो इसका मतलब हमारा जो बर्गर पैटी है वो बहुत अच्छे से पक के तैयार हुआ है और जूसी है। तो चलिए मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताती हूँ किस तरह से चेक करना है। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे एक साइड को पकने में और 2 से 2.5 मिनट लगेंगे दूसरी साइड को पकने में। इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा और एक ये स्टिकी रबर सा हो जाएगा और ये जूसी नहीं रहेगा। ये देखें इस तरह से स्टिक इसमें की और इसमें से ये वाइट कलर का सा जो निकल रहा है, इसका मतलब है हमारा बर्गर तैयार है और बिल्कुल परफेक्ट बना है, जूसी बना है। ये चीज़ सॉस और इसके अलावा चिल्ली सॉस मैंने इसके ऊपर लगाया है मेयोनीज सॉस के साथ, ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से इसको सर्व किया है। तो ये पैटी बर्गर हमारा तैयार हो चुका है। ये बर्गर बनाने की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं बर्गर की, बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है बर्गर, और उमूमन ये फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने हिसाब से इसे बनाते हैं और खाते हैं। जैसे कि चने की दाल का बन कबाब बनता है, अंडे वाला बन कबाब बनता है, फ़िश जिंगर का जो बनता है बर्गर बनता है, चिकन जिंगर बर्गर बनता है, इसके अलावा शामी कबाब से भी हम बर्गर बनाते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आप अपने अपने तरीक़ों से हर जगह अपने अपने हिसाब से ये बर्गर बनता है और लोग इसे इंजॉय करते हैं फ़ास्ट फूड के तौर पर। तो ज़रूर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। छोटों को प्यार, बड़ों की इज्जत कीजिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।